हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सबके लिए कुछ किचन की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जो हमारे डेली के काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टिप है इस टाइप के सेफ्टी पिन को लेकर के। अक्सर क्या होता है, जब हम साड़ी पहनते हैं और वहाँ पर सेफ्टी पिन लगाते हैं तो कई कबार ना सेफ्टी पिन साड़ी में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं और जब हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारी साड़ी डैमेज हो जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह के मोती ले लें और इसे आप सेफ्टी पिन में इस तरीके से डाल दें। इससे हमारी साड़ी जब हम पिनअप करेंगे तो फटेंगे नहीं। और अगर आपके पास मोती नहीं है तो जब भी आप साड़ी पहनते वक्त सेफ्टी पिन का यूज़ करें उस समय आप थोड़े से कोई हार्ड वाले पेपर ले लें या फिर कोई प्लास्टिक भी आप इसमें डाल दें। इससे क्या होगा, हमारा जो सेफ्टी पिन है वो साड़ी में फंसेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट हमारा टिप है वो भी सेफ्टी पिन को ही लेकर के। जब हम रेडी होते हैं कहीं जाने के लिए ना तो सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करते हैं वो है हमारे सेफ्टी पिन। हम खोजते रहते हैं बट वो लुका छिपी का खेल हमारे साथ खेलते रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बेंगल ले लें जो पुराने बेंगल है जो आपकी यूज़ में ना हो, और इसी बेंगल में आप सारे सेफ्टी पिन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें और इसे आप कहीं अच्छे जगह पे हैंग करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे सेफ्टी पिन इधर उधर घूम मतलब खोएंगे नहीं और हमारे साथ लुक्का छिपी का खेल भी नहीं खेलेंगे। तो इस टिप को भी आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो चीनी रखने वाले जो डब्बे होते हैं ना उसमें सीलन आ जाती है और ये मतलब बहुत ही ख़राब लगता है। डब्बे भी गंदे हो जाते हैं, चीनी भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए एक टिप मैं आप सबको देना चाहूँगी, जब भी आप किसी डब्बे में चीनी स्टोर करें उसमें आप किसी कॉटन के कपड़े में थोड़े से जो चावल होते हैं ना वो चावल को बांध करके आप उस डब्बे में रख दें। चावल क्या है, चीनी को सीलन से बचाएगा। लंबे समय तक आप चीनी को इस डब्बे में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो चीनी है वो उसमें सीलन बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिससे हमारा चीनी और हमारा डब्बा दोनों ही फ्रेश रहेगा। चावल जो चीनी की नमी है ना उससे वो सोखता है। तो इसमें एक छोटी सी पोटली बना के आप चावल की रख दें और जितनी मर्जी उतनी आप चीनी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, अक्सर हम सब अपने घरों में डेली चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद हम सब क्या करते हैं, जो चाय की पत्ती होती है ना उसे हम फेंक देते हैं, उसका हम यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो चाय की पत्ती है ना उसका आप बहुत ही अच्छे से रीयूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छा डिश वॉश तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कुकर लेना है और इसमें जो चाय की पत्ती है वो डालना है। चाय की पत्ती में आपने जो क्या बोलते हैं अदरक इलायची वगैरह डाला है वो आपने निकाल लेना है और प्रेशर कुकर में चाय की पत्ती को डालना है और इसके बाद उसमें डालना है एक गिलास के बराबर पानी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेमन के छिलके को इकट्ठे करके रखे हैं, जो मैं हम लेमन जूस का यूज़ कर लेते हैं और छिलके फेंक देते हैं, बट ये छिलके हमारे बहुत ही काम के चीज़ हैं। तो इसमें हम डालेंगे लेमन के छिलके और इसके बाद हमें डालना है एक मुट्ठी के बराबर नमक और थोड़े से बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम डाल के प्रेशर कुकर में रख देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इसे हम अच्छे से कुक होने। जब ये अच्छे से कुक हो जाए इसके बाद इसका लेमन हमें निकाल लेना है और इसे ग्राइंडिंग जार में बहुत ही फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। जब लेमन का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे इसके बाद हमें लेना है एक बाउल और जो चाय पत्ती का पानी था वो भी हमें छान लेना है और इसके बाद लेमन का जो ये प्यूरी बनाए थे वो भी हम छान लेंगे, जो कि मोटा पार्ट है उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक डिश वॉश बन करके रेडी हो चुका है। इससे आप एक बोतल में रख दें और जितनी मर्जी उतने आप बर्तन धोए, इससे बर्तन की चिकनाई चली जाएगी। जो भी पित्तल के जो भी तांबे के बर्तन हैं उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये साफ़ हो जाता है। इसमें जो लेमन है ना उसकी वजह से सारी चिकनाई कट जाती है, सारी गंदगी कट जाती है और चाय पत्ती का जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसकी गंदगी को निकालने में। तो इस तरीके से निकाल के आप महंगे डिश वॉश खरीदने से बच सकते हैं। घर में ही आप बहुत अच्छे से मतलब बेकार की चीज़ों का यूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छा डिश वॉश तैयार कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही काम की टिप। तो
तो इस टिप को आप सब जरूर फॉलो करें, और कोई भी टिप अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो ग्राइंडिंग जार होता है ना, उसमें अगर हम कुछ प्याज लहसुन वगैरह ग्राइंड करते हैं तो उसमें बहुत ही ख़राब सी एक स्मेल आती है, और कभी कभार क्या होता है हमारे जो ग्राइंडिंग जार है ना वो काफ़ी पीला पड़ जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए क्या करने हैं, आपने लेने हैं 1 से 2 चम्मच नमक। नमक बहुत ही ज़्यादा एक तो इसको बहुत शार्प करेगा हमारा जो ग्राइंडिंग जार है, और इसके बाद थोड़ी सी इसमें चाय पत्ती डालेंगे, और 1 कचा हुआ आलू को हम रफली चॉप करके डालेंगे। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, जितने भी इसके अंदर की गंदगी है ना वो सारे निकल जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको डालना है, न्यूज़पेपर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 2 से 3 घंटे तक इसमें रहने दें, अदरवाइज़ आप तुरंत ही पानी डाल करके इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लें। जितने अच्छे से ये ग्राइंड होगा इसका ब्लेड भी बहुत शार्प होगा, और इसमें जितनी स्मेल और जितनी गंदगी है ना सारे निकल जाएंगे, और आपकी जो ग्राइंडिंग जार है वो एकदम चमक उठेंगे। जो भी पीलापन जो भी बदबू थे वो सारे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस टिप को यूज़ करके अपने ग्राइंडिंग जार को बहुत ही न्यू और बहुत ही शार्प बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे टिप एंड ट्रिक्स आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कौन सी टिप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।